रायगढ़ जिला कलेक्टर के जन दर्शन में पहुंचे सारंगढ़ के एक माता पिता को जिला कलेक्टर भीम सिंह ने उनके बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र प्रदान किया। बच्चों के अभिभावकों ने हियरिंग एड लगाने के बाद आवाज सुन बच्चों में होने वाले प्रभाव पर खुशी जाहिर की, साथ ही कलेक्टर भीम सिंह का अभिवादन किया। 3 साल का हर्ष और 3 साल की आकृति, ये वो मासूम है जिन्हें भगवान ने सुनने की शक्ति से वंचित कर संसार में भेजा था। किसी वैवाहिक दंपत्ति के जीवन में उसकी संतान खुशियों की दस्तक होती है। सारंगढ़ ब्लॉक के ऐसे ही 2 परिवार थे जिनके घर बच्चे की किलकारी गुजने की खुशी बिखरी थी, परंतु यह खुशी तब तकलीफ और दुख का कारण बन गई जब इन्हें पता चला कि इनका दूध मुहा बच्चा अपनी माँ की लोरी ही नहीं सुन पा रहा है। वजह थी दिव्यांगता। बच्चों में सारे लक्षण तो सामान्य थे, परंतु वह कुछ भी सुन पाने में अक्षम थे। कल इन्हीं बच्चों के अभिभावक कलेक्टर जनदर्शन में रायगढ़ पहुँचे थे, जहाँ पर समाज कल्याण विभाग की योजना अनुसार हर्ष और आकृति को जिला कलेक्टर भीम सिंह ने श्रवण यंत्र प्रदान किया। बच्चों के अभिभावकों ने हियरिंग एड लगाने के बाद आवाज सुन बच्चों में होने वाले प्रभाव पर खुशी जाहिर की और कहा कि आज हमारे बच्चे सुन सकते हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी मिल रही है। हमने बहुत दिक्कतें सही है, अब जिला प्रशासन के जरिए हमारे बच्चे को सुनने की क्षमता मिली, जिसके लिए कलेक्टर साहब का आभार है। समाज कल्याण विभाग के जगजीवन जांगड़े ने बताया कि जिले में दिव्यांगता सर्वे किया जाता है। विभाग द्वारा विभिन्न सहायक उपकरण हितग्राहियों को दिए जाते हैं। विभाग द्वारा व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राईसाइकिल आदि सहायक उपकरण दिव्यांगों के आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं। हम लोग बहुत दिक्कत में थे बहुत दिनों से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-3 साल के हैं और ये भी 3 साल का है, और सुनने और बोलने में इन लोगों को बहुत दिक्कत आ रहा था। यानी दोनों यानी कान से बहरे हैं और पूरा 90% हैं। हम लोग सारंगढ़ के ग्राम पंचायत भोथली से हैं और ये जो है यानी सारंगढ़ के ग्राम पंचायत नाचनपाली से हैं। और आज हम लोग आए थे यहाँ पे और हम लोगों को कलेक्टर महोदय की सहायता से कान में सुनने वाला वो मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है आज हमको ये मिला। तो हम लोग बहुत परेशान थे, रायपुर में दिखाए थे, संबलपुर में भी इसको उपचार के लिए दिखाए थे, अपना बिलासपुर में भी दिखाए थे, रायगढ़ में 2-3 बार दिखाए थे। क्या लग रहा है, उम्मीद जगी है बच्चे अब सुनने लायक बन सकते हैं आपके? हाँ, पूरा पूरा उम्मीद है, हम लोग बहुत खुशी हो रहा है। आज जो है जन चौपाल में 2 बच्चे उनके पेरेंट्स लेके आए हुए थे। सारंगढ़ जनपद में ग्राम पंचायत भोथली और ग्राम पंचायत नाचनपाली के हैं इन लोग। दोनों बच्चे जो है सुन नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, और एक बच्चा जो है जो आकृति कोसले बच्ची है वो चल भी नहीं पाती है, अस्थि से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको। तो आज जो है कलेक्टर महोदय के हाथों से उनको श्रवण यंत्र प्रदान किया गया है और उनके जो माता पिता हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कई जगह कहीं उड़ीसा भी गए थे, वहाँ भी चेक करवाए हैं और यहाँ भी चेक कराए हैं, रायपुर में भी चेक कराए हैं, पर यहाँ पर उनको श्रवण यंत्र मिला है, आज कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है, वो बहुत काफ़ी खुश हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगातार निरंतर इस तरह के कार्य किए जाते रहे हैं। जी जी। आगे लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे जिनको कम से कम ये कि लोग वहाँ तक पहुँचे और अपनी सहायता शासन की जो भी योजनाएं उसका लाभ ले सकें? जी जी जी, जो भी विभाग के माध्यम से जो भी सहायक उपकरण है दिव्यांग है जिले में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सभी जिले भर में शिविर लगा करके सभी जनपदों में दिव्यांगों का आकलन हो रहा है और करवाया जा रहा है, और उनका आकलन करके जो भी संख्या हमें मिलेगी उन सभी को हम लोग जो है सहायक उपकरण उपलब्ध कराएंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।